तुझे सामने देख दिल थामने मैं लगा तू नजर ना चुरा तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे ये दिल हो गया है तेरा तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ढेंगा यूं ही फैंटेसी ना बना तू बेकार ताके शक्ल देख जाके जरा खैर अपनी मना आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है होने वाला नहीं कुछ तेरा ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके पर अभी होश कर तू जरा कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है रख तू जमी पर जरा कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा तुझे अब है नहीं छोड़ना सोच कर तो बढ़ा ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप तू जा अपना चेकअप करा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी ना जाने राजे की हीर सोनिए शातें बनाना दूसरों को सताना तूने सीखा कहाँ से बता उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता ये अकड़ना भी तेरा दिल है धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे हाथ में हाथ मुझको थमा दिल तेरा तू कर ले बहाना मगर लेके जाना जरूरी हुआ दिल तेरा मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी है मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनी शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए हेलो कौन है क्या करते इसे फ्लू हो जाएगा
अरे एंजॉय करने दो, नौजवान है दोनों। 31। तुम मेरी छीके क्यों गिन रही हो? अरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम 32। मोहब्बत में सबसे ज्यादा छीके मारने वालों में तुम्हारा नाम होगा। अभी रोमियो के काम की इश्की इसे टॉन्सिलाइटिस से फिर भी आइसक्रीम खा रहे। शहनाज, तुमने वादा किया था कि उनको पता नहीं लगने दोगी कि हम दोनों यहाँ आए हैं। ओह माय गॉड, हीर बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी सर्दी लग रही है, अब तो बीमार पड़ जाएंगे, उसे छींके आ रही हैं। चलो रूम में चलते ना। गरम कपड़े भिजवा देती। तुम गरम कपड़े तो नहीं लाई होगी ना हीर? नहीं। चलो चलो रूम में चले। मुझे भी सर्दी लग रही है। वैसे आप भी इतने बुरे बात नहीं। कोई भी आदमी इतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी माँ समझती उसको, और इतना बुरा भी नहीं होता जितना उसकी बीवी समझती उसको। हाँ, जैसे हर बंदा इतना बुरा नहीं होता जितना वो अपने शनाख्ती कार्ड पे दिखाई देता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना अपने फेसबुक पर लगता है। और ये हाफ सेंचुरी मुकम्मल। चीकू की हाफ सेंचुरी, आई मीन मोहब्बत में चीकू की पहली हाफ सेंचुरी मुकम्मल। चलो घुसो ब्लैंकेट में। हीर मेरे लिए गरम कपड़े लाई है। कितनी केयरिंग है। थैंक यू हीर। यू वेलकम। ऐसे तुम कितने सुघड़ हो ना, अपने साथ साथ मेरे लिए भी गरम कपड़े ले आए। तुम्हें तो दिल चाह रहा है कि मैं बीवी ऑफ द ईयर का अवार्ड दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर आया, तुम ही लेकर आई हो, झूठ नहीं बोलो। ड्रामे मत करो, जो कारनामे मैं करती नहीं हूँ उसका क्रेडिट भी नहीं लेती मैं। हीर तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है, तुम किसी के लिए कुछ भी कर लो ना, तुम कभी चिताती नहीं हो। अच्छा रोमियो, अगर तुमने सब नहीं रखा है तो किसी भूत ने रखा है क्या? हाँ, और भूत तुम। ये अगर भूत मैं होती तो लोग मुझसे डरते, मुझसे इश्क करते, मोहब्बत करते, प्रेम करते। वैसे शुक्र है ठीक है, आने तो बंद हुई। अच्छा लो फोन दो। पिक्चर है तुम्हारी मामा को भी? नहीं, दवाइयां लेके पहुंचेंगे यहाँ पे।
वैसे अच्छा ही हुआ, रोमियो के माँ ने तो 100-100 ताने देने थे। हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। लो, इसमें क्या बेहतरी है? मैं नजर, मैं बाहर निकलू तो 5 गांव के बंदे खड़े होके मुझे सलाम करते हैं। जो जानने वाले होते हैं वो नहीं भी करते। मैं यहाँ सड़क पर बैठा हुआ सर्दी में कांप रहा हूं। अफलातून आ गया। कमरा करके आया होगा पक्का, मुझे इस पे हमेशा से बड़ा भरोसा है। आजा आजा बेटा आजा। लो जी, मुबारक हो, राजा तबारा का घर मिल गया। चल तेरी माँ की बातें अंदर चल के सुनो। और सोनी, सामान उठा। और वो घर पे नहीं था। मैं ठहर गया, फिर वो आ गया। मैंने खूब सुनाई उसे। और बाकी तू अंदर जाके सुना लेना, मेरी तो कुल्फी जम गई है यहाँ पे। नहीं नहीं, रुके 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 रुके, एक छोटा सा मसला है। तू उसे लड़ क्यों नहीं आया? अरे मैंने उसकी बड़ी बेइज्जती की, पर उसने गुस्सा तक नहीं किया। तो हुआ क्या? जिद कर रहा था अब्बा, आके रोटी खा के जाना। मैंने भी उसका दिल रखने के लिए 2 लुकमे ले लिए। मुर्गी बहुत अच्छी पकी थी। और ये बता, उसने रेस्ट हाउस की चाबी दी तुझे? मैं वही तो बता रहा हूँ, मुर्गी बहुत अच्छी पकी थी अब्बा। और सारी रात मुर्गी पकाता रहेगा? अब बता तो सही, गेस्ट हाउस मिला के नहीं? अरे अब्बा बताने लगते हो तो बीच में से बात काट देते हो। अरे अब्बा वो कह रहा था कि अफलातून पूरा गेस्ट हाउस तेरा, जितने मर्जी दिन रहे। चलो भाई, बाकी बातें जो है ना वो अंदर जाके तुम्हारी सुनते हैं। नहीं नहीं रुकिए अब्बा, एक मसला है। क्या? वो बेचारे की ड्यूटी सुबह की है, मिन्नत कर रहा था कि अफलातून सुबह आ जाना। और ये बात तू पहले नहीं बता सकता था? निकलने से पहले कॉल क्यों नहीं की थी? अब्बा वो बैलेंस नहीं था ना। मैंने उससे पूछा आज रात क्या करें, कहने लगा तुम्हारा अब्बा इस शहर का सबसे बड़ा और महंगा हकीम है। हाँ वो तो है, वो जो शहर का सबसे बड़ा हकीम है उसको कपड़ी चढ़ी हुई है और उसका दामाद सड़क पे चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। अब्बा वो कह रहा था पास ही एक बहुत बड़ा होटल है, आज रात वहीं गुजार लें। इसके अलावा हमारे पास और रास्ता भी क्या है? अब्बा वो होटल में एक अलग कमरा मेरा होगा। सबसे पहले मैं तुझे अलग कमरा तो दूंगा। इस पे असर ही नहीं होता, ढीठ कहीं का। चल उठा सामान। अच्छा चल भाई, सारा चल उठा। अब जाओ, वो मैं उठा लेता हूँ। तो किसने ऑर्डर किया हीर? सुनो, मुझे तो लगता है यहाँ पे कैमरा लगे हुए, इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। तुम क्या बातें कर रही हो? 5-स्टार होटल है, कैमरे कैसे हो सकते हैं? आफ्टर ऑल मैं तो बहाद हूँ, मिनिस्टर के कमरे में मैं घुस जाता हूँ बगैर बताए, पूछता ही कोई नहीं। अब्बा मैं तो सोच रही हूँ अगर तुम्हें कोई बर्फबारी वाली फिल्म दिखा दे तो मैं तो वो देख के ठंड लग जाए। हीर तुम्हें पता है मुझे बर्फबारी बहुत पसंद है।
मौसम की ना खास बात ये है कि लोग कई कई दिनों तक अपने बेडरूम में ही रहते। अच्छा, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मुझे मुझे तुम और तुम बीवी सामने हो ना तो हर शौहर का यही जवाब होता है। कौन बीवी, कहाँ बीवी? तुम बीवी बीवी थोड़ी हो, हीरो तुम और ही तो महबूबा होती है, बीवी थोड़ी। जरा सी सर्दी क्या लगी, तुम तो बड़े रोमांटिक हो गए हो। और क्या क्या पसंद है मुझे? ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हें पता है मुझे इस मौसम में ना बहुत पसंद है, और वो भी हॉट एंड सोर वाला। और तुम्हें पता है जब भी मेरी इस तरह ना तबीयत खराब होती है, मामा मुझे हर चीख पे एक सूप ला के देती है। हिसाब से तुम्हें छींके आई ना, अभी तक तो तुम्हारे आगे 50 प्याले रख चुके होते घर में। कसम से ये कौन आ गया? तुम्हारी अम्मी तो नहीं आई होंगी सूप लेकर? जल्दी देखो। देख रही हूँ, रुक जाओ। अरे ही जाओ भी चला जाएगा। चुप कर जाओ। ये किसका ऑर्डर है? आपका ये है जी। शुक्रिया, दरवाजा बंद कर दे। वाओ, मेरा फेवरेट सूप। रोमियो, क्या तुमने इनको पहले से ही कह दिया था कि तुम्हें छींका और सूप लाके दे रहे हैं लोग? झूठ मत बोलो, तुम एक्टिंग कर रही हो। तुमने ऑर्डर किया था। वैसे पता है क्या, मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद है। पागल हो क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट सूप कौन सा है। तो किसने ऑर्डर किया हीर? सुनो, मुझे तो लगता है यहाँ पे कैमरा लगे हुए, इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। तुम क्या बातें कर रही हो? फाइव स्टार होटल है, कैमरे कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है ये जगह हॉन्टेड है, हमारी सारी बातों का पता चल जाता है। अरे नहीं हीर, ये नहीं हो सकता, किसी और को ऑर्डर हमें देके चला गया होगा, और वैसे भी हमें चाहिए था ना। चलो पियो। बल्कि नहीं नहीं, तुम नहीं पियो, तुमने आइसक्रीम खाई थी ना। वैसे हीर यार, सूप के साथ फिश क्रैकर्स होते हैं ना, कितना मजे का लगता है। मुझे फिश क्रैकर के बगैर ना सूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो
सॉरी मैडम, वो मैं फिश क्रैकर लाना भूल गया था। तुम्हें किसे कहा लाने को? जी वो आपको फिश क्रैकर के बगैर सूप का मजा नहीं आता ना, इसलिए लेकर आया हूँ। ओके सही है, थैंक यू। कुछ गड़बड़ है, ये सब कुछ इसको कैसे पता चला? अगर कोई होटल वाला कमरे में आए ना तो सबने बाथरूम में कुछ जाना है, क्योंकि एक कमरे में सब दो को रुकने की इजाजत है। हाँ मुझे अगर सोफे पे ही सोलाना था तो बाहर रोड पे ही छोड़ देते, आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ यार। नजर बेटा तू आजा, आजा मेरी जगह पे, मेरे बेड पे आजा, मैंने वैसे भी थोड़ी देर बाद फजर के लिए जाना है। मैंने भी थोड़ी देर बाद नाश्ते के लिए उठ जाना है। नजर भाई यहाँ नाश्ता होता है, नाश्ता। हाँ और ऊपर से ये वाला सिस्टम भी है, जितना खाओ जो खाओ पैसे फिक्स। आप ये ना हो कि आप सोते रह जाएं और नाश्ते का टाइम गुजर जाए। नजर ये ना हो तू सोता ही रह जाए और नाश्ता गुजर जाए। नहीं बस नहीं, आप सो जाओ, सो जाओ, आप लोग यही सो जाओ, मैं सोफे पे। Excuse me, आप कौन से कमरे में? After all, मैं दमाद हूँ। मिनिस्टर के कमरे में मैं घुस जाता हूँ बगैर बताए, पूछता ही कोई नहीं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किस कमरे में? ये मेरे साथ हैं। हकीम साहब आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ सामान ला देते, मैं ही नाश्ता बना देती। आया
बेटर जी सर, कहीं खाने में क्या क्या पका है? लो जो जो पका है सब एक एक प्लेट ले आओ। जब पैसे फिक्स हैं तो जितनी चीजें जो मर्जी मंगाओ। सर बुफे जो जितना लेना है ले लें। चलो जल्दी सोचो, come on, good morning, जल्दी 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 जल्दी, हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने जाना है, come on। तुम इतने तैयार क्यों हुए हो? ऐसा लग रहा है ऑफिस जा रहे हो। हीर तैयार तो होना पड़ता है ना, हाँ? अब मैं अपनी हीर का रोमियो कैसे लगूंगा? हुँ? उठो ना। सुनो, कौन होगा जो सुबह सुबह अपने हनीमून पे डाइनिंग हॉल में नाश्ता करता होगा? अरे हम। आहिस्ता, रात को याद नहीं क्या हुआ था? यहाँ पे लोग ना सब कुछ सुनते हैं, मुझे तो लगता है देखते भी होंगे। सुनो, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, give me 5 minutes, लेकिन सुनो, 5 minutes तब शुरू होंगे जब मैं चाहूंगी। डॉक्टर शहनाज, अगर रोमी और हीर भी आ गए नाश्ता करने यहाँ पर तो वो नहीं आएंगे। मैं रोमियो को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं उसका ब्रेकफास्ट रूम में ही भिजवा दूंगी। मामा बस भी करें, एक तो आपने उनके कमरे में गर्म कपड़े भिजवा दिए, ऊपर से सूप भी भिजवा दिया, अगर उनको पता चल जाए आए तो। मैं यहाँ अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आई हूँ। पता है मैंने कितनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की है? जी, और मेरे क्लिनिक का भी बहुत हर्ज हो रहा है, यही तो मौसम है लोगों के बीमार पड़ने का। आपने तो हमें बस यहाँ पे बातों में बिजी करके बिठा रखा है। ये अपना शुगर लेवल देखा है, कितना हाई हुआ है। मामा पापा जितने स्वीट हैं, इतना शुगर लेवल तो बनता है। रोमियो इधर टर्न कर जाओ, इधर टर्न कर जाओ। बताओ वजह क्या है? अरे मैंने डाइनिंग हॉल में तुम्हारी मामा को देखा है। ये मजाक करने का वक्त है हीर। ये तो मामा है।
साथ में पापा भी है। ये लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? मैं पूछ के आती हूँ। नहीं मेरे पूछना नहीं है, मेरा मतलब बता के नहीं आया। हाँ हम बताते नहीं तो जरूरी क्या पूछने जाए, नहीं ना। हीर, हीर, तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या? देख लिया क्या? अरे नहीं, तुम्हारे मामा पापा भी हैं यहाँ पे। ये हो ही नहीं सकता। ये यहाँ क्या कर रही? अरे यार अब तुम इनसे पूछने ना चली जाना। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। यहाँ पर भी लोगों को तमीज नहीं है, इतनी प्लेट भर भर के खा रहे हैं जैसे शादी हो। वो कमाल, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। चाय चाय पूरी पूरी डालो, जूस भी तो लाओ यार। खान मारे ये तो वही लोग हैं। कौन लोग? रोमियो के ससुराल वाले। ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे मुंह मोड़ के मत कर, क्यों के हमारे टेबल पे चले आएंगे। अच्छा हुआ उन्होंने नहीं देखा, वरना यही आ जाते। कैसे लोग हैं? ये कोई तमीज नहीं है, अपने बच्चों के पीछे हनीमून पे आकर उनको डिस्टर्ब करने के लिए। बिल्कुल हमारी तरह। हाँ हम तो इसलिए आए ना कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सारा मूड खराब कर दिया। चल रूम में चल। अबला तू तो पता तो कर, तेरे दोस्त का रेस्ट हाउस ठीक है? ये जगह तो बहुत महंगी है। कॉल करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा खुद यहाँ जाएगा। अम्मा लगता है रोमियो और हीर इसी होटल में थे। वो भी इसी होटल में ठहरे हुए? अरे पहले बताना था ना, हम भी उनके कमरे में ही रुक जाते। बेकार में किराया खर्च किया। चुप कर, मैंने रोमियो और हीर को नहीं देखा, लेकिन वो जो लोग वहां जा रहे हैं ना, वो रोमियो के अम्मा अम्मा जैसे लग रहे। मैं देख कर आता हूं। समझ नहीं आ रहा मेरे मामा पापा यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि उनको मरीजों से भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे हाँ ना, वही तो। हाँ यहाँ पे किसी मरीज को देखने के लिए तो नहीं आए? मरीज तो है यहाँ, अब समझ में आया वो सुपर कपड़े किसने भिजवाए। अच्छा चलो मेरे पेरेंट्स का तो फिर भी समझ आता है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने उनको इनवाइट किया हो। ही नहीं सकता, मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स में इतनी यूनिटी कभी भी नहीं, और अगर वो साथ आते तो साथ नहीं बैठे हुए होते। अच्छा खैर जो भी है, लेकिन हमें ये जाहिर करना है कि हमने नहीं देखा,
वरना वो यहाँ पे रूम तक हमसे मिलने आ जाएंगे। किसने देखा, किसको देखा? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मुझे तो वैसे भी सिर्फ मेरी ही नजर आती है ना। मोहब्बत की आखिरी इंतहा होती है जब महबूब के अलावा और कोई नहीं देखता। चलो नाश्ता करें। अरे यार हीर, क्या यार, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं हम लोग और तुम नाश्ते की बात कर रही हो। ओ याद आया, याद आया, वो हीर अपने रांझी के लिए खुद नाश्ता लाती है ना। नाश्ता नहीं, चूरी। अरे यार एक ही बात है, तुम्हें समझ आ गई ना। यार हीर, एक अंडा ही बॉईल कर दो। अरे खुद उठो जाके ऑर्डर करो। यार हीर कर दो ना यार। अरे अब मैं उनके किचन में जाके अंडा उबाल के लाऊं तुम्हारे लिए। जाओ चलो हीर की खिदमत करो, उठो। माँ वो भी है साथ, और साथ में मनाल भी है। ओहो, एक तो इन्हें भी सुकून नहीं है, अब हनीमून पर भी साथ आ गए। बात है भला, वो चले ना उनसे सलाम दो करके आते हैं ना, ताकि उन्हें भी तो मालूम हो कि हम भी फाइव स्टार होटल में आए हुए। क्यों नजर भाई, कोई मुझे आराम से नाश्ता भी करने देगा? अरे अब्बा मैं तो कहती हूँ आप जाके हीर से मिलाएं, खुश हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, पहले ही वो तंग होंगे रोमियो के माँ बाप से। एक कह रहे हकीम साहब, मैं अगर हीर से मिलने गया तो मुझे रोक लेगी कि नजर भाई आप मेरे साथ ही ठहर, अब फिर मुझसे इनकार नहीं होता। नजर बेटा ठीक कह रहा है। आ जाओ बैठो, नाश्ता कर लो, तुम्हें दूसरों की फिक्र है, बैठ जा। ये लोग यहाँ आए क्यों? मैं पूछती हूँ जाकर। जिस तरह हम अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकते, वो भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते होंगे। मुझे इनकी तरफ से जवाब ना दे, ये क्या बात हुई? उनसे कहें जाए यहां से। मामा रोमियो भाई सब हैंडल कर लेगा। रोमियो हीर को हैंडल नहीं कर सकता, उसे छींके पे छींके आई चली जा रही थी और वो उसे आइसक्रीम खिलाई जा रही थी। मनाल, मनाल क्या है मामा? रोमियो नाश्ते पे नहीं आया? नजर तो नहीं आया, तो बुखार ना हो गया। डॉक्टर साहब चले उसे चेक करें, दवाएं तो है ना? दवाएं तो हमेशा मेरे बैग में होती हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ही रहे, ज्योतिषी ना बने, चले मेरे साथ। ओ अपना जो वो अपना, ये हीर, 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 नहीं, रोमियो, 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 और नई शादी हुई है उनकी, वो कमरा उनका कौन सा है? दामाद है मेरा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो रूम नंबर 6 में, यहाँ से आप जाएंगे कॉरिडोर। रूम नंबर 6 पता चल, चलो चलो चलो। Thank you.
रुक जाओ, वो देखो आगे तुम्हारे पेरेंट्स है। खाक से तबजा मकाम ठंडे सुन नहीं आते। अरे हटो, मुझे तो देखने दो क्या हो रहा है। आप लोग आप यहां क्या कर रहे हैं? Show me your